दोस्तों, आज हमारे बीच क्रिकेट एक्सपर्ट मिस्टर शराफत खान मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के बारे में। शराफत, आपका इस शो में स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप ये बताइए, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच में जो मुकाबला होने वाला है, तो लोगों का कहना है कि एक तरफा मुकाबला है, न्यूजीलैंड मैच जीता हुआ है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, अब टीमें नॉकआउट राउंड में पहुंच चुकी हैं, वो यादें पीछे छूट गई हैं। न्यूजीलैंड ने अपने ग्रुप में सभी मैच जीते, सही बात है। वेस्ट इंडीज आखिरी क्षणों में नॉकआउट राउंड में प्रवेश कर पाई, ये भी सही बात है। लेकिन अब हर दिन एक नया होगा, उस दिन जिस टीम ने परफॉर्म किया वो अगले चरण में चली जाएगी। आज की बात कर रहे हैं हम, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के क्वार्टर फाइनल में वो हुआ जो हम सोच नहीं रहे थे कि टफ मुकाबला होगा, श्रीलंका थोड़ी टक्कर देगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। इसी तरह श्रीलंका की तरह हम बात करें न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की मैच की, तो कुछ भी प्रेडिक्ट करना सही नहीं होगा, कोई सी भी टीम कभी भी हावी हो सकती है। लेकिन इस टूर्नामेंट में हम दोनों टीमों के प्रदर्शन के बारे में गौर करें तो वेस्ट इंडीज किसी तरह अपनी राह बना पाई है रन रेट के आधार पर, और आयरलैंड से हार गई तो पाकिस्तान से जीत गई, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने सारे मैच एक तरफा जीते और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो क्या आपको लगता नहीं कि न्यूजीलैंड थोड़ी फेवरेट ज़्यादा है लोगों की? समय ये खिलाड़ियों के आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छी बात है कि ग्रुप में आप सभी मैच जीत कर आए हो, लेकिन फिर वही बात कि आपको टीम का सामना तो करना है, नॉकआउट में खेलना है। विरोधी टीम से अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर जाता है, जैसे कि वहाँ खिलाड़ी हैं, क्रिस गेल की बात करें, चार्ल्स अच्छा कर रहे हैं, या और भी दूसरे हैं, मॉर्गन सैमुअल हैं, तो अगर उनमें से कोई एक क्लिक कर गया तो यहाँ पे न्यूजीलैंड को मैच बनाना पड़ेगा। ये बात काम नहीं आएगी कि आप मैच जीते हैं। 92 में यही लगभग यही चीज़ें न्यूजीलैंड के साथ हो चुकी हैं, तो वो शायद एक रेफरेंस में उनके पास ये बात है कि हमें बहुत बेहतर खेलना है और ये मैच कहीं से भी ढीला नहीं छोड़ना है, चाहे सामने वेस्ट इंडीज ही क्यों ना हो। वो बात आपकी सही है कि वेस्ट इंडीज का इतना सफ़र आसान नहीं रहा है नॉकआउट राउंड तक, क्वार्टर फाइनल पहुंचने के लिए उन्होंने आखिरी मैच तक इंतज़ार किया, लेकिन अब वो बात पुरानी हो चुकी है। हर दिन नया मैच होगा और टॉस बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, न्यूजीलैंड अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, वो कितना एडवांटेज है? बिल्कुल वो है, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी शक्तिशाली टीम को न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड ने हराया। हालांकि वो एक लो स्कोरिंग मैच था और कोई भी टीम जीत सकती थी, लेकिन फिर भी परिणाम न्यूजीलैंड के पक्ष में रहा। और हमने ये देखा है, पिछले साल हम देख लें, कई पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाएं तो कोई भी टीम न्यूजीलैंड में खेलती है तो उसे मुश्किल आती है, और न्यूजीलैंड अपने होम ग्राउंड में एक अतिरिक्त रूप से ताकतवर बन के उभरती है। तो जो आप कह रहे हो उस बात में बिल्कुल एकदम है कि हाँ, उस होम ग्राउंड का एडवांटेज पूरी तरह न्यूजीलैंड की तरफ। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज को सिर्फ इसलिए हल्के में लेना कि हम हमारे घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं, सही नहीं होगा। परफॉर्म तो फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम है जिसके इतिहास में क्रिकेट की सुनहरी यादें हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर कल को आपको पता चले कि वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि वो टीम इस तरह की है। अच्छा, दोनों टीमों में एक एक प्लेयर ऐसा है जिसके लिए लोग हजारों रुपए का टिकट खरीदने को तैयार है। न्यूजीलैंड में ब्रेंडन मैककुलम है, तो वेस्ट इंडीज में क्रिस गेल है। तो गेल वर्सेस मैककुलम का जो मुकाबला है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आप अगर मेरी राय पूछें तो मैं गेल को एडवांटेज दूंगा यहाँ पर। वजह इसकी मेरे नज़रिए से ये है कि गेल अभी वर्ल्ड कप में दोहरा शतक उन्होंने बनाया, लेकिन एक और पारी उनसे ड्यू है और वो आ सकती है, मैककुलम से भी आ सकती है, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे गेल के लगते हैं। और अगर वेस्ट इंडीज अगर पहले बैटिंग करने उतरी तो निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा, और ब्रेंडन मैककुलम के चांसेस को भी मैं झुठला नहीं रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से एक जैसा प्रदर्शन करके वो टीम को यहाँ तक लाए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी एक चीज़ होगी कि कहीं औसत नियम ना लग जाए, न्यूजीलैंड से कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो महत्वपूर्ण मैच में कुछ लूज कर दे, तो वो एक प्रेशर कप्तान के तौर पे भी उन पर होगा। और यहाँ गेल बिल्कुल एक फ्री खेल रहे हैं, लास्ट मैच में भी वो इंजरी के वजह से खेल नहीं पाए थे, यहाँ पे तरोताज़ा होकर आएंगे और उन पर कप्तानी जैसा कोई दबाव नहीं होगा उनके पास। वो जानते हैं कि वो मुश्किल से नॉकआउट राउंड में आए हैं, खोने के लिए कुछ नहीं, जबकि न्यूजीलैंड को क्रिकेट विशेषज्ञ वर्ल्ड कप का दावेदार मान रहे हैं। तो ये एक बड़ा फर्क हो सकता है कि न्यूजीलैंड दबाव महसूस करे और वहीं वेस्ट इंडीज अपना सब कुछ दाव पर लगा के इस मैच को जीतने की कोशिश करे, तो मेरे लिए गेल को एडवांटेज। अच्छा, मैककुलम जब से कप्तान बने हैं, एक खिलाड़ी के रूप में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले वो मस्त
खिलंदड़ थे, विकेट थ्रो के आउट हो गए कोई मतलब नहीं, लेकिन कप्तान बनने से एक जवाबदारी फील करते हैं और उनका खेल बहुत चेंज हुआ है, आपकी क्या राय इस बारे में? देखिए जब से वो कप्तान बने उन्होंने विकेट के पीछे अपने दस्ताने भी त्याग दिए हैं, अब वो बिल्कुल कवर्स में फील्डिंग करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, न्यूजीलैंड के सबसे सीनियर खिलाड़ी डेनियल विटोरी से लगातार वो बात करते हैं, लगातार बात करते रहते हैं, अपने गेंदबाजों से बात करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपनी भूमिका पूरी तरह निभा रहे हैं और उसके लिए वक्त दे रहे हैं, कप्तानी के लिए वक्त दे रहे हैं। और जब वो एक बल्लेबाज के तौर पर खेलते थे तब कुछ खेल अलग था, आज भी जब खेलते हैं तो टीम के लिए खेलते हैं तो एक जिम्मेदारी की भावना उनमें देखी जा रही है, बिल्कुल सही बात है। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड ने अपने ग्रुप के सारे मैच जीते हैं और क्वार्टर फाइनल्स में है। तो ये अब जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप बात कर रहे हैं मैक्यूलम की, ये हो सकता है कि क्वार्टर फाइनल में एक बड़ा फर्क पैदा कर दे। जेसन होल्डर की हम कप्तानी देखते आए हैं अभी इस टूर्नामेंट में और काफ़ी निराशाजनक भी रही, कई बार वो अपने मेन गेंदबाजों से ओवर कराना ही भूल गए। मैक्यूलम और होल्डर को जब हम आमने सामने रखते हैं तो किसको आप बेहतरीन कप्तान मानते हैं? देखिए होल्डर और मैक्यूलम का कप्तानी के तौर पर कोई तुलना नहीं है। होल्डर, आप भी ये बात मानेंगे कि होल्डर कप्तान बाई चांस हैं, प्लेयर एसोसिएशन और प्लेयर्स के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा बोर्ड के बीच, वेस्ट इंडीज बोर्ड के बीच, उस वजह से जेसन होल्डर कप्तान हैं। और हमने देखा भी कि जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों की धुनाई हो रही थी तो होल्डर असहाय थे और उन्होंने ना अपने खिलाड़ियों से बात की, ना गेल जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी से सलाह ली, तो वो एक अपनी दिशा में सोचते हैं। लेकिन मैक्यूलम के पास जैसा मैंने कहा कि डेनियल विटोरी है, वो विलियमसन से बात करते हैं लगातार, अपने गेंदबाजों को बूस्टअप करते हैं, तो ये एक बड़ा फर्क है। तो कप्तानी में निश्चित तौर पर ब्रेंडन मैक्यूलम एक ऊंचे पायदान पर हैं, लेकिन जेसन होल्डर को अभी बहुत कुछ सीखना, और ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपने पास गेंदबाजों के ओवर ही भूल जाते हैं, कई बार डेथ ओवर में अपने स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के ओवर करवाते ही नहीं है, तो ये हमने देखा है, ये अनुभवहीनता नजर आती है। लर्निंग फेज है उनका, धीरे धीरे सीखेंगे। कप्तानी में मैक्यूलम के साथ उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अच्छा, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आपको एक ही शब्द में जवाब देना है, बैटिंग लाइनअप किसकी भारी है, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज? निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड, जिस तरह से पिछले मैचों में दिखाया है कि हमने पिछला मैच देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ एक समय लग रहा था कि मुश्किल में पड़ जाएगी, लेकिन गुप्टिल ने ऊपरी क्रम में खेलते हैं, निचले बल्लेबाजों को साथ लेकर उन्होंने नया पार लगाई, तो जो डेप्थ की आप बात कर रहे हैं वो न्यूजीलैंड में मुझे ज्यादा नजर आती है। गेंदबाजी न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज? टीम जाउदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी की थी, तो उनके नेतृत्व में फिर न्यूजीलैंड। देखिए यहाँ पे फील्डिंग में भी मैं कहूँगा, आपने सवाल पूछा नहीं लेकिन मैं एक कदम आगे जाते हुए बात करता हूँ कि तीनों विभाग में न्यूजीलैंड बेहतर है, लेकिन मेरा सिर्फ यही है कहना कि अगर कोई खिलाड़ी, क्रिस गेल जैसा खिलाड़ी चमत्कारी प्रदर्शन कर दे तो न्यूजीलैंड पर भारी पड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड भी ऐसी टीम में जो कॉलर्स ना हो, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 152 या 153 रन का जो लक्ष्य था उसको 9 विकेट गिर चुके थे न्यूजीलैंड के बनाने में, लेकिन हराना मुश्किल नहीं है। न्यूजीलैंड मजबूत टीम है वेस्ट इंडीज के सामने, लेकिन उसे हराना मुश्किल भी नहीं है। तो दोस्तों हमने देखा कि शराफत इस बात पर एग्री है कि न्यूजीलैंड बैटिंग बॉलिंग कप्तानी में भले से वेस्ट इंडीज से आगे हो, लेकिन शराफत को यह भी उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज का कोई एक ऐसा प्लेयर चमत्कारी प्रदर्शन करेगा जिसके बल पर वो न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बाधा को पार कर जाए। थैंक यू शराफत, धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।